I felt like of course I was exhausted and I couldn't get myself, you know, to have a supportive man. And yes. Most men should not put pressure on their wives. Well, दोस्तों, करीना कपूर खान और सैफ अली खान के डिवोर्स की खबरें कई महीनों से सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स में वायरल हो रही हैं और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीना और सैफ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं और अब इसके पीछे की जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, करीना ने खुद ट्रूथ रिवील कर दिया है। जी हाँ, करीना ने बताया कि कैसे सैफ अली खान उनकी कंपैरिजन अमृता सिंह से करते थे। जी हाँ, अमृता सिंह को लेकर के सैफ अली खान करीना को एग्जाम्पल देते थे और बताते थे कि किस तरीके से पेरेंटिंग की जानी चाहिए। बता दें कि अमृता सिंह से उनको दो बच्चे हैं, सारा और इब्राहिम। ऐसे में सैफ अली खान को लगता है कि अमृता सिंह बहुत अच्छी पेरेंट है, बहुत अच्छी मॉम है और वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की पेरेंटिंग भी करती आई हैं। इसी वजह से सारा और इब्राहिम इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने मैनर वाले बच्चे हैं। ऐसे में करीना कपूर खान को भी यही बातें सुनना पड़ता था। सैफ अली खान उन्हें बार बार यही बात कहते थे कि वो एक अच्छी पेरेंट नहीं है, वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग अच्छी नहीं कर रही हैं, उनको अमृता सिंह से कुछ सीखना चाहिए ताकि वो भी अपने दोनों बच्चों को यानी कि तैमूर और जय की पेरेंटिंग उसी हिसाब से कर सकें जैसा कि अमृता सिंह ने किया है। बस फिर उनकी यही बातें सुन सुन कर के करीना कपूर खान पक गई, थक गई और उन्होंने फाइनली मन बना लिया कि सैफ अली खान से अलग होना है और सैफ अली के साथ पैच और सैफ अली खान के साथ में नहीं रहना है। बस फिर क्या था, इनकी डिवोर्स की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गईं और सोने पे सुहागा तब हुआ जब सैफ अली खान ने अपने हाथ से करीना के नाम वाला टैटू हटवा लिया, जिसके बाद इनकी डिवोर्स की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। कुल मिलाकर के फिलहाल तो यही वजह बताई जा रही है कि सैफ अली खान ने खूब कंपेयर किया है अमृता और करीना को लेकर के, पेरेंटिंग को लेकर के। इसी वजह से करीना काफी ज्यादा हर्ट हो गई और उन्होंने अब डिवोर्स लेने का मन बना लिया है।